दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से कुछ हम लोग ज्योति मौर्या के बारे में देखते हैं और आलोक भाई के बारे में देखते हैं। आज आप चाहे YouTube खोलिए, Instagram खोलिए, Facebook खोलिए, सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्या, आलोक भाई छाया हुआ है। ठीक है, तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, या आलोक भाई के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, या ज्योति मौर्या के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है या सही हुआ है, इसी के बारे में आज हम लोग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि मतलब जो भी ज्योति मौर्या किए हैं या आलोक भाई किए हैं, जो भी किए हैं, क्या गलत है क्या सही है। देखिए, हम लोग किसी को भी गलत या सही नहीं कह सकते जब तक आप दोनों तरफ से बयान नहीं ले लेते हैं। क्या ज्योति मौर्या क्या बयान देते हैं, आलोक भाई क्या बयान देते हैं, जब तक दोनों तरफ से बयान नहीं ले लेते हैं तो किसी को सही या किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। अगर दोनों तरफ से बयान ले लिया जाए तो दोनों के बयान को मिलाया जाएगा, किसका सही है, दोनों का बयान मैच करता है या नहीं करता है, उसके बाद किसी को गलत अगर साबित किया जाए तो फिर कहीं ना कहीं ये ठीक होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मेरा वीडियो बनाने का आज मेन मकसद क्या था कि कुछ भाई लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ भी उनकी वाइफ हो या जो भी हो, सिस्टर हो, बेटी हो, जो भी हो, तो क्या कर रहे हैं कि मतलब उनको घर बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है, क्या कि एक लड़की के चलते सब लड़की की मतलब ज़िंदगी ख़राब कर दी जाए। आप ही लोग बताइए, क्या एक लड़की ऐसा किए हैं तो सभी लड़की करेंगे, इससे पहले कि और कोई लड़की नहीं किए थे, या इससे पहले कोई लड़का नहीं किए थे, क्या सब लड़का घर चले गए, तो क्यों ना गए भाई। अगर एक लड़का करता है तो सब लड़का घर चले जाते, और एक लड़की करते हैं तो सब लड़की घर क्यों ले जा रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहे हैं कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि घर बुलाए जा रहे हैं, या जो भी कह रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि इतना का एडमिशन था और आए क्लास से ही उठा करके बहुत बार समझाने के बाद भी उन्हें नहीं समझा गए, मतलब समझे और मतलब वापस लेके चले गए। तो क्यों कर रहे हैं भाई ऐसे, किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। उनका इच्छा है, उनका सोच है कि हमको ये करके दिखाना है, और वो कल के ना करके दिखाई। अब की बार जो UPSC का टॉपर था तो चारों लड़की है ना भाई, क्या वो सब ज्योति मौर्या के तरह नहीं थे। हमको ये बताइए, ज्योति मौर्या के तरह वो सब नहीं थे ना। एक लड़की अगर की है तो सब लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी कर रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ से नम्र निवेदन है कि भाई जो भी कर रहे हैं ऐसा, अगर घर बुलाने का काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करें। किसी का भी मतलब इच्छा है कुछ करके दिखाने का तो उनको करने दीजिए, जो भी करेगी या जो भी पोस्ट के लिए, चाहे बड़ी पोस्ट हो या छोटी पोस्ट हो, उसके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस पोस्ट का वो तैयारी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। यानी कि घर बुलाने का, या तो कि हाँ वहाँ से छोड़ के चले आओ, या तो ये सब की कोई दबाव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब भाई से मेरा यही अनुरोध है कि एक ही लड़की अगर की है तो सब लड़की एक ही तरह नहीं होती है। ठीक है ना, सब लड़की एक ही तरह नहीं होती है। अगर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सभी लड़की को अगर बुलाया जा रहा है, तो हमें तो नहीं लगता है कि लड़की को बुलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अब हकीकत क्या है पता नहीं, पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि कुछ लोग को बोल रहे हैं कि ऐसे ले गए वैसे ले गए। तो अगर ले भी गए हैं या नहीं भी ले गए हैं, क्या सच है क्या गलत है क्या झूठ है, ये तो पता नहीं, लेकिन हम जो भी कहेंगे, जो भी जहां, जो भी बहन या जो भी बेटी या जो भी भाभी या जो भी जिसका भी जो भी है, जहां भी तैयारी कर रहा है उसको आराम से करने दीजिए। यानी कि घर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक लड़की की है ना भाई, उसमें भी अभी क्या सही है क्या गलत है आप कैसे जानते हैं। क्या आलोक भाई गलत नहीं हो सकते हैं, या ज्योति मौर्या ही गलत हो सकते हैं।
हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ज्योति मौर्या ही गलत है या आलोक भाई ही गलत है। जो भी गलत है उसके लिए हमारे देश में न्यायालय है, और अगर जो भी कर रहे हैं ज्योति मौर्या जो भी कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। जिसके साथ भी अफेयर चले तो उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि उन्होंने उनको शादी करने से आज नहीं 13 साल या 14 साल हो गए, 2013 11 या 12 में ही शादी हुआ है, और उनको अब मतलब बेटी भी है शायद 9 या एगो 8 साल की और एगो 6 या 7 साल की बेटी भी है। अब तो उनके बेटी भी मतलब लायक हो गए हैं, तो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन उतना बड़ा पोस्ट हासिल करने के बावजूद भी अगर ज्योति मौर्या ऐसा करते हैं तो फिर अब इसमें तो हम लोग का कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुत एक अच्छा सा पोस्ट उन्होंने हासिल की है बहुत मेहनत करने के बाद। जो भाई मेहनत करते हैं उसी को पता चलता है कि उस पोस्ट की मेहनत कर पोस्ट को पाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है, और उतना मेहनत करने के बाद भी ज्योति मौर्या इस कदम को उठा लिए हैं। तो अब क्या सोच के उठाए हैं तो उन्हीं को पता होगा। और जो भी भाई, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि जो भी भाई अगर ऐसा कर रहे हैं कि अपना वाइफ को या जो वाइफ को अगर बुला रहे हैं घर, तो मत बुलाइए। जो भी जहां भी तैयारी कर रहा है करने दीजिए आराम से, और उनसे उम्मीद रखिए कि उनके मन में जो भी होगा, हमको जहां तक उम्मीद है कि उनके मन में आपको कुछ अच्छी करने का ही मतलब अच्छी करने का ही उन्होंने लक्ष्य को तय किया है, और आपको आप उम्मीद रखिए उनसे कि कुछ ना कुछ अच्छी कर ही दिखलाएगी। ठीक है, इस वीडियो में यही तलाक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।